जवाहर नवोदय विद्यालय गुरैया सोयलपुर फिरोजाबाद में मनाया वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान। मुख्य अतिथि माननीय श्री जयवीर सिंह जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी। माननीय मंत्री जी ने नवोदय विद्यालय की स्थापना कब और कैसे हुई बच्चों को बताया, साथ ही बच्चों को उच्च संस्कार एवं संस्कृति की ओर आकर्षित करते हुए अच्छे संस्कारों को ग्रहण करने का भी पाठ पढ़ाया। साथ ही संस्कृति के क्षेत्र में बच्चों के अंदर और अधिक ज्ञान बढ़े, इसके लिए जो संभव सरकार द्वारा प्रयास होंगे विद्यालय को देने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। साथ ही विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों के चौमुखी विकास हेतु खेल, पढ़ने, साफ सफाई एवं खान पान पर विशेष ध्यान देने के लिए समस्त स्टाफ को समझाया गया। ग्रामीण अंचल से आए बच्चे अपने घर से दूर आप माँ पिता भाई बहन गुरुजन मानते हैं, उनके प्रति सच्ची निष्ठा एवं उनके विकास में 100% योगदान अध्यापकों का भी होना चाहिए। साथ ही उन्होंने राष्ट्र को और अधिक शक्तिशाली बनाने में युवा विद्यार्थियों का सहयोग भी मांगा और कहा, राष्ट्र को नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, विदेशों में लोग अपना नुकसान कितना भी हो परंतु राष्ट्र का नुकसान नहीं होने देते, विदेशों में चोरी नहीं होती, ये नीति अपने देश में भी अपनानी है, तभी हमारा देश विश्व गुरु एवं विकासशील देश से विकसित देश बन पाएगा। और जो यहाँ हो रहा है कल्चरल एक्सचेंज, इसके लिए ही हमारा विभाग सबसे ज्यादा काम कर रहा है और उसके लिए हम लोगों ने एक नया भी शासन से जारी करके निर्णय लिया है कि सारे स्कूलों में डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनमें पर्यटन और सांस्कृतिक क्लब बनाने का काम, युवा क्लब इन विद्यालयों में स्थापित कराना है। युवा क्लब आप स्थापित कराइए, मिनिमम 25 बच्चों के साथ होता है, तो कल्चरल एक्टिविटी जितनी भी आप करनी हो जिस दिन स्थापित हो जाए उस दिन अकाउंट में 10,000 रुपया हम भेज करके 10,00,000 रुपया भेज करके उस अकाउंट को ओपन कराएंगे और उसके बाद जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज आपको करनी हो सारा का सारा एक्टिविटी हमें दीजिए, कलाकार हम देंगे, लोग हम देंगे, व्यवस्था हम करेंगे, जितने भी कार्यक्रम कराना हो आपकी धरती पे कराने का काम हमारा विभाग कराएगा, ये हम प्रयास करेंगे। तो सरकार की है देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।